हेलो। ए, अलर्ट हो गया तू तो। अरे अपने को डर कैसा है यार? डर नहीं बोल सकते, एक अलग सी बेचैनी हो रही है। ऐसे टाइम पे टेंशन से दूर रहने का, डर के आगे पीछे जीत है। बहुत डर लग रहा है तो बापू को याद कर ऐसे ले। वक्त में कौन से बापू को याद कर सकते हैं? अरे आसाराम बापू, तो बोल भेजू क्या? नहीं यार, सब लोग सोए नहीं और एक आध घर में तो टीवी भी चल रहा है। अरे तूने ही बोला था मेरे को कि तेरी बिल्डिंग में 10 बजे सब सो जाते हैं। पता नहीं यार आज क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर वाला चश्मिश भी अब तक आया नहीं है। ए, रुक रुक रुक, आ गया शायद, गेट बंद कर रहा है। तो क्या बोलता है, मिशन ऑन कर दूं क्या? ए, रुक यार, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। अब हम ये मिशन कैंसिल कर दें क्या? ए, बीच में रोक दूं, टीवी सीरियल चल रहा है क्या? अबे तेरे जैसे दोस्त रहेंगे ना तो फंसना लाजमी है। अच्छा, तू टेंशन मत ले, तू मिशन ऑन कर दे। तुझे पता है कुंभकर्ण के बाद तेरा ही नाम आता है आलसी? तकलीफ में जिंदगी का रास्ता निकालने वाला बैचलर हूं मैं। वाई को भेज दिया मैंने। वाई मतलब? वाई मतलब यस, यन मतलब नो, डोंट यू नो? अच्छा तो अब क्या होगा? थोड़े टाइम में ऑटो आएगा, फिर फोन आएगा। फिर ज्यादा पूछा तो मुझे गुस्सा आएगा। फोन कट कर ऊपर जाओ, ऑटो के लिए पैसे निकाल के रख। अच्छा, सुन सुन, ओला ऑटो में आएगी ना, वो कहना कि उसमें बिल थोड़ा कम होता है। कंजूस की औलाद। ए, खाना खाने के लिए बुलाया और 4 पैग लगा दिया मैंने, चखना भी नहीं खाने दे रहा है। भूख लग रही है यार। ब्रेकअप के बाद भी मेरे प्यार का नशा उतरा नहीं और तुझे खाने की पड़ी है। अरे वो नशा तो रहेगा ही, इस नशे को चढ़ा। जाहिल आदमी कहावत बोलने लगा। कहावत बोलने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं, दिल को छूना मांगता है। दिल को छुई थी इसलिए तो आगे बढ़ा था, पर अचानक से मेरी शादी रोक दी, इतनी बड़ी सजा दे दी। रोज उसके दरवाजे पे माथा टेक कर सॉरी सॉरी बोलता हूँ, अब इससे ज्यादा क्या करूँ? तेरी शादी टूट के 4 महीने हो गए, दाढ़ी बढ़ाकर अंधेरे में चश्मा पहनकर देवदास को कंपटीशन दे रहे है तू। उसको तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, चल भूल जा उसको। उसने ऐसा क्यों किया यार? एक अजीब सा दर्द होते रहता है। तेरे दर्द की दवा बताऊं? ठीक है बता। देख उसकी यादें है ना तेरे दिल की गहराई के अंदर घुस गई है, और उसको निकालने के लिए एक लकड़ी की जरूरत है। क्या ये लकड़ी क्या कर लेगी? लकड़ी नहीं रे, ये लड़की बग है ना, एकदम टकाटक। लकड़ी बोल के पूरी लड़की दिखा रहा है। बच्ची ये लड़की है एकदम अच्छी, तेरी जिंदगी में इसको एंट्री दे और मधु को एग्जिट। मतलब क्या, मुझे इससे प्यार करना है? हाँ करना है, लेकिन प्यार नहीं, वायलेंट प्यार। ए, मैटर क्या है, बराबर बोलना। यही मैटर है, दिल में घंटी बजी तो वाई टाइप करके इसे SMS भेज, कमर लटकाते हुए तेरे पास आएगी। अच्छी जी, गंदी बात है ये। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करता। तुझे भाव नहीं देने वाली मधु चाहिए या बेबी डॉल वाली ये आइटम? ये सब गलत है ना यार। गलत है तो जा गवर्नमेंट को लेटर लिखना। ए, चिल्ला मत। चाइला चाहो, कोई सुना नहीं। मेरी बात अपने भेजे में अपलोड कर, मैं जाके डाउनलोड करके आता हूँ। पोस्टर क्या देख रहा है, 5,000 देके पूरा पिक्चर देख के? नहीं यार, मैं तो यूं ही देख रहा था। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या तू है ना, सन्यास ले ले, लड़की वड़की तेरे बस की बात नहीं है। किससे बात कर रहा है मालूम है क्या? मुझे लड़की पटाने में 5 मिनट लगते हैं। चल रहे, तू फोन लगा। किसको? ये उसी लड़की को हो रही है, लगा फोन, चल। चढ़ गई है तेरे को, ठीक से तो खड़ा हो नहीं पाएगा और लड़की को पटाने चला है। जा बाहर जाके नींबू शरबत पी। तेरे को उससे क्या है, जितना बोल रहा उतना कर। आज वो चाहिए मतलब चाहिए। अब कौन से होटल में रूम मिलेगा? होटल क्यों, मेरा घर है ना। क्या तेरे घर में? अबे मधु तो है नहीं, तो फिर काहे का घर? अब उस मकान में कोई भी आ सकता है। किसी ने देख लिया तो? अबे कौन देखेगा यार, 10 बजे के बाद पूरी बिल्डिंग सो जाती है। रात को 10 बजे मेन गेट बंद कर दिया तो सुबह 6 बजे दूध वाले के लिए खुलता है, उसके बीच में 8 घंटे होते हैं। तू ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से पहले ये सब मैंने किया नहीं है, ये सब बजट में तो होएगा ना। नंदू इज हियर, यू डोंट फियर, 10 बजे लेकर आता हूँ उसको। साथ में तू क्यों आएगा? ए, प्यार के मैटर में दोस्त को भूल जाने का, लड़की के लिए दोस्त को छोड़ रहा है। चल मैं नहीं आऊंगा, तू डर मत। चक दे फटे नब दे गिल्ली।
हेलो, मैं नीचे हूँ। अकेली आई हो ना? हाँ अकेली हूँ, ऑटो वालों साथ है। हाँ। रमेश, ऑटो के पैसे देने हैं। कितना हुआ? 127 रुपीस। जल्दी जल्दी करो। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे धीरे धीरे, सैंडल की आवाज आ रही है, प्लीज धीरे। एक सेकंड, एक सेकंड, सैंडल उतार दो प्लीज। अब क्या? रुको रुको, दरवाजा खोल दो, एक सेकंड। चली गई। नया है क्या? हाँ अभी लिया है, 1000 square feet, 3 bedroom with master bedroom। मैं फ्लैट के नहीं तेरे बारे में पूछ रही हूँ। एसी तो चालू छे, तुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? नहीं नहीं नहीं, गर्मी और में नहीं लग रही, बॉडी में ही ज्यादा हीट है। अच्छा, हीट बॉडी है? लगता है पहली बार है, कभी वीडियो नहीं देखा क्या? जी जी, वो सब तो मुझे पता है, छुपते छुपाते आया ना, घबराहट अभी तक गई नहीं। पिएगा तो ठीक हो जाएगा। तुम बेटी हो, नंदू ने तो बताया नहीं था। नंदू ने और क्या क्या बताया? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं नहा कर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खोल लूंगा, खोल लूंगा, थैंक्स। हेलो, फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगा? कहाँ, चौथी घंटी में तो उठा लिया ना। सो तुमने पहली रिंग में फोन नहीं उठाया, तो तुम ये देखना चाहते थे कि मैं कितनी बार फोन करूंगी, है ना? नहीं मधु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? अंकल आए हैं। कौन से अंकल? ओ तो तुम अंकल को भी भूल गए? ऐसा नहीं है मधु, तुम तो इलाके के पानीपुरी वाले को भी अंकल ही बोलती हो ना, इसलिए समझ नहीं पाया कौन सा अंकल। प्यार की शुरुआत में मेरी जरूरत थी और अब ब्रेकअप के वक्त मेरी याद भी नहीं आई, ऐसा सुंदर अंकल पूछ रहे हैं। अच्छा वो वाला क्या? हाँ नहीं नहीं, अच्छा उन्होंने पूछा, कब आए वो? शाम को आए थे, सुबह मिलना चाहते हैं तुमसे। अच्छा। मैं लेकर आती हूँ। घर पे लाओगी? क्यों, ऑफिस में बुलाकर हमारे प्राइवेट मैटर को पब्लिक करना चाहती हूँ क्या? कब तक आओगी? 8:30 से 9 के बीच आ जाऊंगी। इतनी सुबह सुबह क्यों आओगी, थोड़ा लेट आ जाओ ना, मतलब 9:30 बजे तक। आने बोलना, 4:30 बजे निकल जाऊंगी। 9 to 10:30 राहु काल है, इसीलिए 8:30। ठीक ठीक है ठीक है, आ जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ? अगर 9 बजे राहु काल है तो ये 8:30 बजे क्यों आ रही है? आई हेट यू। बट आई लव यू मधु। हेलो हेलो,
एक बात की सोबत बताती है, इतने सजेशन तो गूगल भी नहीं देता। बहुत नाराज है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ, उसके साथ झगड़ा चल रहा है इसलिए मेरे को बुलाया ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है, बाद में इन्हीं कपड़ों में तो आना है, तो बार बार क्यों चेंज करने हैं? फुल टाइट होकर आई है क्या? वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है इसीलिए। ओहो, खाना तो नहीं है, नूडल्स है, खाओगी क्या? नूडल्स? उससे क्या पेट भरेगा? बाहर चल के खाएं क्या? नहीं नहीं फंस जाएंगे, नूडल्स ही ठीक है। तुम बैठ के टीवी देखो, मैं जाकर नूडल्स बना कर लाता हूँ, दो मिनट। तो तू नूडल्स रेडी कर और मैं तेरे को रेडी करती हूँ। निकल। नीचे से मत पकड़ो, गरम है। गरम है। अकेला रहता हूँ ना तो सब काम खुद ही करता हूँ। नूडल्स में भी बहुत वैरायटी बनाता हूँ मैं। हाँ। वेजिटेरियन, चिकन। नूडल्स को गरम पानी में डुबाकर निकालने को कुकिंग कहते हैं। अपने हाथ से खिलाना। हाथों से? फोक से नहीं, अपने मुंह से खिलाना। मुंह से खिलाऊं? मुंह से खिलाना नहीं आता। मैं सिखाती हूँ ना। सॉरी सॉरी, लगी तो नहीं, ठीक है ना? इतनी रात को कौन आया होगा? ये तेरा घर है, मेरे को कैसे पता? ठीक है, तुम इधर ही रुको, आराम से न्यूज़ देखो, मैं देख कर आता हूँ। मैं गाने देखती हूँ, तू जा। कौन होगा? दरवाजा खोल रमेश। रमेश दादा बहुत सीरियस है। रमेश, मेरे दादा तो कितने साल पहले मर गए। अरे तेरे दादाजी नहीं, मेरे ससुर जी, छाती में दर्द हो रहा है, अभी तक घर पे है, उन्हें अस्पताल लेके जाना है, जल्दी कुछ कर, चल 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 ना बाबा। मैं क्यों? अरे तेरे पास गाड़ी है ना, इससे पहले उन्हें कुछ हो जाए उन्हें लेके चलते है ना। दीदी मैं गाड़ी की चाबी दे देता हूँ, आप मोहन को साथ में ले जाइए, वो भी अच्छी गाड़ी चलाता है। मोहन को? अरे उसे तो दिन में ही ठीक से नहीं दिखता, चार पांच बार कंपाउंड की दीवार को ठोक दिया है उसने, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट करके मेरे ससुर जी को मार दे। नहीं नहीं तू चल, तू चल। अजीत भी गाड़ी चलाता है, बहुत अच्छी चलाता है, उसको साथ में ले जाइए। वो अजीत बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अरे हमें कोई किसी से रेस लगानी है, हमें तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, उनकी गाड़ी खराब है, एम्बुलेंस टैक्सी सब ट्राई कर लिया, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तू चलना प्लीज चल। दीदी वो कौन है, कोई गेस्ट है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं है। अरे आवाज तो आ रही है। हाँ वो कोई पिक्चर देख रहा था क्या? हाँ हाँ पिक्चर तो बाद में देख सकता है ना। हाँ अगर मेरे ससुर जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी नहीं मानेगी, एक काम कीजिए आप, चलिए मैं आता हूँ पीछे आपके। आ रहा है ना? हाँ आता हूँ बोल के। यही मत, चड्डी में आओ क्या, पैंट तो पूरी पहन ले लीजिए। बहुत अच्छा दिख रहा है, चलना चलना। दीदी दीदी जाओ जाओ, तुम तैयारी करो, मैं अभी आया। तैयार हो गया तो तू ऐसे ही अच्छा दिख रहा है, मेरे ससुर के ऊपर जाने से पहले तो नीचे आ जा। देख कोई बहाना मत बनाना। नहीं नहीं मैं आता हूँ, आता हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी, मैं इंतजार करूंगी। ये लिफ्ट को भी अभी बंद होना था। नीचे वाले दादा को हार्ट अटैक आ गया है, बहुत सीरियस है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कौन क्या कर सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लो सब। हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं, तो फिर पैसा कैसे लूं? मुझे फ्री में पैसे बांटने की आदत है, तुम ये पैसे रख लो। कहाँ जा रही हो? अब क्या हुआ, ऐसे मुंह उठा के जाओगी, नीचे पूरी बिल्डिंग जमा होगी। तो फिर मैं इधर रुकूं या जाऊं, बोलो। नहीं जाओ मत, यहीं पर रुको। एक काम करो, नूडल्स खाकर यहीं पर रुको, हॉस्पिटल पास में ही है, मैं उन्हें छोड़कर आ जाता हूँ।
डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर कहाँ है? आराम से, आराम से। आधी जान तो जा चुकी है। आराम से लेटाओ, आराम से। हार्ट का डॉक्टर कहाँ है? सर सर, पहले फॉर्म भर दीजिए। अच्छा, आप चलिए माता। फोन कहाँ है? टीवी देखने बोला था, फोन क्यों कर रही है? क्यों फोन किया होगा इसने? बंद नहीं किया, नूडल्स खाकर फैल गई बिस्तर पे। हेलो, उठो। हेलो, उठो ना। हे, उठो। ये उठ क्यों नहीं रही है? इतनी गहरी नींद में। चेक करने के दो उपाय हैं। पहला उपाय है कि आप दो उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और इस तरह से आप अपनी दोनों उंगलियों को रेडियल पल्स के ऊपर रख सकते हैं। जो कैसे हो रही? जरूर कोई मेरे घर में आया होगा। एक काम करो, नूडल्स खाकर यहीं पर रुको। हॉस्पिटल पास में ही है, मैं उन्हें छोड़कर आ जाता हूं।
क्या फोन उठा रही है? अभी भी मरी नहीं तू? मैं तुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन तू तो दुश्मन निकली। दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया? कैसे हो रमेश, सब ठीक है ना? मैंने 7 कॉल्स किए, तुमने रिसीव भी नहीं किया। Why the hell you are so quiet? होटल का बिल, क्या सर देख रहे हो? तो पढ़े लिखे लिखते हो, पासपोर्ट गुम गया है और ऊपर से कह रहे हो कि सुबह सुबह फ्लाइट है। मणि। हाँ बोलिए सर। यहाँ कोई पासपोर्ट मिला क्या? किसी ने कुछ लाकर दिया तुम्हें? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं दिया। सर यहाँ कुछ नहीं है, अगर किसी को मिला होता तो इन्हें लाकर दे देते। नहीं सर, सच में यहीं कहीं गुमा था, प्लीज देखिए। सर साफ सफाई हो गई है। सर 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 प्लीज प्लीज एक बार मेरे लिए फिर चेक कर लीजिए प्लीज। ठीक है, आप यहाँ कौन सी टेबल पर बैठे थे? सर ये वाली टेबल। मणि उस टेबल पर देखा क्या? हाँ सर मैंने सभी टेबल पर देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। देखा ना, कुछ नहीं है, आपने कहीं और घुमाया होगा। सर सर एक बार मेरी तसल्ली के लिए प्लीज मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लेने दीजिए प्लीज। सर 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 रुकिए सर सर रुकिए सर, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, अगर कुछ मिला होता तो जरूर रखते। सर सर सीसीटीवी, किसी ने लिया होगा तो उसमें दिख जाएगा ना सर। सर यहाँ मैनेजर की परमिशन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर सर प्लीज सर, बहुत मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है, मेरी जिंदगी का सवाल है सर। सर अभी इसको ऑपरेट करने वाला आदमी नहीं है यहाँ। सर मैं कर लूंगा सर, और पैसे पैसे भी दूंगा, ये लीजिए पैसे रखिए। सर पैसे अंदर रखिए सर, कैमरा चल रहा है। मेरी जेब में रखिए, इस वाली जेब में रखिए। अच्छा उधर सिस्टम है, जल्दी से जाके देखा, लेकिन 5 मिनट में आ जाना। थैंक यू सर। हाँ मणि।
निकलिए सर, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। एक सेकंड, चलिए सर प्लीज। सिम कार्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, मीना दीदी बोल रही है ना? क्या दीदी, कब से फोन लगा रही थी, तुम्हारा फोन बंद ही आ रहा है। वो गुंडे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मुझे और मेरी बहन को कितना टॉर्चर किया पता है। कहाँ हो तुम? हेलो, ये मीना नहीं है। तो आप कौन बोल रहे हैं? मीना के कस्टमर है क्या? ये फोन मुझे रोड पर मिला था। अरे रोड पर मिला क्या? हे भगवान, सॉरी सॉरी। हाँ सर, ये फोन मेरी मीना दीदी को दे दीजिए ना। इतने बड़े मुंबई शहर में अब मीना को कैसे ढूंढूं? मुंबई क्या सर, मुंबई में मीना दीदी का घर नहीं है। सर ये फोन हमारे लिए बहुत जरूरी है, भेज सकते हैं क्या? अच्छा अब एक काम करो, तुम अपना एड्रेस मुझे दे दो, मैं फोन तुम्हें कुरियर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, लिख लीजिए ना। नंबर 18 अंबिकापुर, अत्थापोड़ी, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, राजकोट, गुजरात 6-7-8-0-0-3। सर भूलिएगा मत, याद से भेज दीजिएगा सर। हाँ ये श्वेता कौन है? मेरा नाम मधु है। ये श्वेता कौन है? मेरा नाम मधु है। उस तरफ से बांध लिया ना, एक बार फिर से देखो जरा। क्या यार, घर की साफ सफाई भी करके नहीं रखी है? हाँ, एक हफ्ते के बाद आना, चूना भी लगा के देंगे। एडवांस तो देने का नाम नहीं है, ऑफिस चाहिए अंबानी के घर के बाजू में। तेरे बजट में ये कोई बुरा घर नहीं है, वास्तु देखकर बनाया है। क्या वास्तु देखा? हमारे जैसे बैचलर्स का वास्तु क्या है मालूम है? क्या है? सामने चाय की टेकरी, थोड़ा आगे लॉन्ड्री, नजदीक में बस स्टॉप और बाजू में दो लेडीज हॉस्टल। अब और क्या चाहिए? सीरियसली बोल रहा हूँ, इससे अच्छा घर तेरे को। वाओ रब चिक है ना। ये मेरा डॉगी है, विस्की डे टाइम में किसी को काटता नहीं है। विस्की, नाइस नेम, आई एम रमेश, ग्लैड टू मीट यू। आई एम सॉरी अगेन। कुत्ते ने काटा है, दर्द भूल गया क्या? एक्चुअली हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं ना, इसे समझ में नहीं आता कि हमने घर शिफ्ट किया है। इसे लगा होगा कि आप मेरे रूम में आ रहे हो, इसीलिए काट लिया। इट्स ओके, इट्स ओके। कुत्ते को क्या पता कि किसके कमरे में जा रहा है, उसने तो अपना ही काम किया ना। इंजेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, सही कहा, इट्स अ स्मॉल डॉग, इंजेक्शन लेना चाहिए। मेरा मतलब कुछ और था, तुम्हें इंजेक्शन लेना होगा। विस्की, तुझे तो बांध कर रखना पड़ेगा, हमने घर शिफ्ट किया है, तुझे पता नहीं चल रहा? दर्द भाग गया क्या? बहुत दर्द हो रहा है यार। चाहे तू मर्द नहीं है रे, 1 किलो मांस निकाल दिया है। विद बोन या बोनलेस? गुड मॉर्निंग मैम, इंजेक्शन दिलाने में एक्सपर्ट हो। हेलो, मैं हाउस सर्जन हूँ। हाउस सर्जन का हॉस्पिटल में क्या काम? कोई कारपेंटर होगा तो कार में काम करता होगा क्या? उस कुत्ते से सावधान रहना, इमरजेंसी में कौन कोई नहीं है। ठीक है, मैं देखती हूँ। चलिए पहले ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, पैंट उतारिए। ड्रेसिंग के लिए पैंट क्यों उतारने का? तुम बाहर जाकर रुको, इसका पहली बार है। मैं देख लूंगी, तुम बाहर जाओगे? अरे जाना यार, श्वेता कह रही है ना देख लेगी, तू जा। ये श्वेता कौन है? अच्छा तुम्हारा नाम श्वेता नहीं है? मेरा नाम मधु है।
नाइस नेम, स्वीट नेम, वेरी स्वीट। स्वीट नहीं, सॉल्टी है। इंजेक्शन तुम्हें दे दूं क्या? नहीं नहीं, ये अलग है। पैंट खोलिए, शर्माइए मत। मैं क्यों शर्माऊंगा, उसका दिमाग गंदा है, मैं एकदम शरीफ हूँ। ठीक है। बस अभी ठीक हो जाएगा। बहुत जोर से काटा है ना, कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। आपने तो हंसकर बहुत ही कैजुअली लिया। अभी भी दुख रहा है? नहीं नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। I'll be back in a minute. मिस कॉल क्यों मारता है, रिचार्ज करा दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू, पता कब से फोन कर रहा हूँ तुझे। अरे रात को थोड़ा ज्यादा हो गई थी रे, सो गया था। क्यों रे, लड़की के साथ मजे ले लिया, अब मुझे क्यों फोन कर रहा है, उसके साथ इश्क विश्क हो गया क्या? अबे तू मिलेगा ना, मार डालूंगा तुझे। टेंशन क्यों ले रहा है, बोल के आया था ना दोस्त के घर पीने जा रहा हूँ, लगता है टिप्स ज्यादा मांग ली, पता था वो ऐसा करेगी। उसको फोन दे, फोन दे, ऐसा समझाऊंगा कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फोन दे। अबे उसकी बोलती बंद हुए 3 घंटे हो चुके। क्यों रे, तुम दोनों सो गए थे क्या, ऐसा क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, बिल्डिंग में किसी को हॉस्पिटल छोड़ने गया था, जब तक घर वापस आया तब तक वो निकल ली। अरे वो गई तो तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं शिल्पी का नंबर भेज रहा हूँ, उसके पास बहुत एडवांस है मेरा, जा मुन्ना जी ले अपनी जिंदगी जा। अबे निकल ली मतलब मर गई? क्या बोल रहा है, मर गई? सच में मर गई यार। क्या बोल रहा है तू? जब हॉस्पिटल में था तब किसी ने घर में घुस के उसे जान से मार दिया। किसी ने मार दिया? ए, बराबर चेक किया ना? सब चेक कर लिया यार, वो पल्स बीपी हार्ट बीट सब कुछ चेक कर लिया था यार, बॉडी एकदम एकदम ठंडी पड़ गई थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, राजकोट में उसके घर में जाकर कोई सुराग ढूंढने का। तू पागल है क्या, राजकोट क्यों जा रहा है? अब इतना ही तो और क्या करूं मैं, कब से तुझे फोन कर रहा हूं, फोन तो उठा नहीं रहा। उसका खून ही नहीं मिला तो मेरे सर पे इल्जाम आ जाएगा। सुबह मधु भी अपने मामा के साथ घर पे आने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बॉडी घर पे क्यों रखा है, उसे कार में डालना चाहिए था ना। अरे उसे नीचे कैसे लेकर आऊं, वो दादा की हार्ट अटैक की वजह से सारे बिल्डिंग वाले नीचे खड़े हुए, लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। जब तूने उसे मारा नहीं है तो डरने का क्यों, अपन पुलिस के पास जाएंगे। क्या पुलिस, पुलिस के पास जाकर क्या बोलूं, वो मेरी बात का भरोसा करेंगे, मुझे अरेस्ट कर लेंगे, 5-10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। उसके बाद अगर निर्दोष साबित हो भी गया ना, तब तक नौकरी चली जाएगी, घर पे लड़की लाया था ये सुनकर माँ बाप की इज्जत जाएगी, उससे ज्यादा मधु मुझे छोड़कर चली जाएगी यार। नशे के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरे बोलने पर उस लड़की को बुलाया था। अब कोई सवाल मत पूछ, मैं जो बोलता हूँ वो कर। देख सीधे घर पे जा और मेरे आने तक उस लाश को संभाल। ए, डेड बॉडी को काई की सिक्योरिटी दूं? अबे आसपास वालों को उस बॉडी में से बदबू आने लगेगी, मैं फंस जाऊंगा और मैं फंसा था तुझे भी फंसाऊंगा। मुझे क्यों फंसाएगा? भूल गया, तूने तेरे फोन से वाई भेजा था। ए, डरा मत यार। तो जितना बोल रहा हूँ उतना कर, बिना किसी के नजर में आए घर जा, बाद में फोन करता हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? शू रैक में ब्लैक शू के अंदर चाबी रखी है, घर के अंदर जाओ और सेफ्टी डोर को फटाफट लॉक कर दे। ओके। कर दिया? हाँ, तूने जैसे बताया वैसे लॉक किया। लाश से बदबू ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रे मारते रहना। तू कहाँ फंसा दिया है? राजकोट जाकर पता करता हूँ कि उसकी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम क्या थी और उसे मारने वाला घर आ सकता है। डर लग रहा है यार। हिम्मत रख, डरने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर कॉल करूंगा। तू बाहर घूम और मुझे लाश के साथ फंसा। Oh!
हेलो मधु, कहाँ पर हो तुम? 8:30 बज रहे हैं। हम बस निकल रहे हैं, तुम्हारे ही घर पर आने वाले। 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। मधु 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 सुनो, मत आना प्लीज, आज मत आना। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं। मैं भी निकल गया हूँ मधु। कहाँ? मैं राजकोट के लिए निकल गया हूँ। राजकोट? सॉरी, मैं बताने वाला था पर सर पे इतने काम थे कि भूल ही गया। हाँ हाँ, मेरी बात आई तो तुम कैसे नहीं भूलोगे? नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पैचअप नहीं करना है तो सीधा बोल दो, पर ये बहाने बनाकर मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मधु, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना, वो मेरे यूएस वाले बॉस, उनके पिताजी राजकोट में बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें जाके देखूं, तो मैं फटाफट गाड़ी लेके निकल गया। बस करो रमेश, हर बार तुम पर भरोसा करके धोखा खाना मेरी आदत हो गई है। झूठ पे झूठ बोलते हो तुम। आई रियली हेट यू। अच्छा चलो, रुको मधु, मधु रुको रुको, एक सेकंड रुको। हाँ मधु, व्हाट्सएप देख लिया ना? मैं सच में राजकोट ही जा रहा हूँ यार। मेरे बॉस के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं कल आते ही तुम्हारे अंकल से मिल लूंगा पक्का। हेलो मधु, हेलो। मैं राम बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राम अंकल, बोलिए ना। पिताजी को आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, आपका शुक्रिया। अरे थैंक्स की क्या बात है, अब दादा कैसे हैं? कल रात को आईसीयू में दोबारा अटैक आने से वहीं उनका देहांत हो गया, बॉडी लेकर आ गए। अरे सॉरी अंकल। ऐसे में घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, सबके लिए चाय कॉफी बना रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में सिलेंडर खत्म हो गया। आपके घर का सिलेंडर मिल जाता तो मदद हो जाती। देवी ने बताया कि यहाँ सब फैमिली वाले ही हैं। आप बैचलर हैं इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। हाँ जरूर देता, पर क्या कि मैं घर पर नहीं हूँ, ताला लगा है, चाबी मेरे पास है। इसमें क्या है, जब आपकी माताजी गांव जा रही थी तब आप ऑफिस में थे, इसीलिए माताजी ने वो चाबी देवी के पास हमारे घर रख दी। अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके, मैं आपको बोलूंगा, उसके बाद आप जाइएगा। क्या रमेश कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी इमरजेंसी है इसीलिए आपसे। अच्छा, मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ, चलेगा? हाँ ठीक है भाई, मैं 10 मिनट बाद ही जाता हूँ। क्या भाई क्या करें, निकाल दे क्या? उनकी बीवी आने तक बॉडी नहीं निकाल सकते। मैं सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ। वो घर पर नहीं है, 10 मिनट बाद जाकर ले आएंगे। 10 मिनट में पक्का आ जाएंगे वो? अरे वो तो शहर में नहीं। 10 मिनट क्यों चाहिए? ये शायद राहू काल के बारे में बात कर रहे हैं। मयत के घर में शगुन देखने की क्या जरूरत है? तेरे पिताजी की बॉडी उठाने का टाइम नहीं देख रहे हैं? गैस सिलेंडर उठाने के लिए टाइम क्यों देखना? इसमें कुछ तो गड़बड़ है भांजे। हाँ बोल। नंदू मेरी बात गौर से सुन यार, एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या मुसीबत है? वो नीचे वाला दादा मर गया। अरे रे, किसने मारा उसको? अरे उसे किसी ने नहीं मारा, वो तो खुद मर गया बेचारा। वो बॉडी लेकर आ रहे हैं। तू यहाँ क्यों ला रहे हैं? मैं दो बॉडी को नहीं देखने वाला। अरे घर में नहीं यार, बिल्डिंग के नीचे ला रहे हैं। चल अच्छा हुआ, बदबू कौन से बॉडी से आ रही है मालूम नहीं पड़ेगा। परेशान बॉडी नहीं कर रही, उसका बेटा कर रहा है। उनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए हमारे घर से सिलेंडर लेने आ रहे हैं। चाबी? चाबी मेरी माँ ने दे रखी। चाबी है तो बॉडी की देखभाल उसी को बोलना था ना करने के लिए, मेरे को क्यों बोला? अबे ऐसे वक्त में कॉमेडी कर रहा है, गला काट दूंगा तेरा। तू एक खूनी जैसा बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन। देख टाइम बिल्कुल नहीं है, वो लोग घर पर आते ही होंगे। क्या तूने घर के बाहर ताला लगाया था ना? अब कैसे भी करके उस बॉडी को कहीं छुपा दे यार। कहाँ छुपाऊं यार? तू एक काम कर, रूम में ऊपर एक लॉफ्ट बना हुआ है, तू लाश को उसी में छुपा दे। ठीक है, लॉफ्ट और बॉडी के साथ तू भी वहीं पर छुप जाना, समझा? डर लग रहा है यार। नंदू बिल्कुल मत डर, यू कैन डू इट यार। डर हमारा दुश्मन है, दुश्मन जो डर गया वो हार गया। मेरा डायलॉग मुझे ही। बोलो 2 मिनट में चले जाएंगे, तू जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। रमेश रमेश कहाँ फंसा दिया? ये बोलाई। नंदू कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ आई। देख मैंने तेरी कुंडली दिखाई, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है बेटा। जिस लड़की को तू पसंद करता है ना, वो तुझे जल्दी ही मिल जाएगी। अब फोन रख। नाराज मत हो बेटा, और जल्दी ही तेरे रहने की जगह भी बदल जाएगी, बहुत अच्छा घर मिलेगा। आई मैं मीटिंग में हूँ, नंतर फोन कर। तुम्हें बेटा ये बहुत बड़े स्वामी जी है, जो बोलते हैं वो सच ही होता है, तू एक बार आकर इनसे मिल तो ले। सुन
खुल नहीं रहा है ये। क्या रे भांजे, कोई अंदर थोड़ी है जो तू ऐसे दरवाजा ठोक रहा है। थोड़ा जाम वाम हो गया होगा, चल जोर से धक्का मार। एक मिनट। अरे नंदू अड़कलस तू। रुक जा, सिर्फ बॉडी बढ़ाने से कुछ नहीं होता, मैं कैसे धक्का मारता हूँ देख। क्या बात है भांजे, खुल ही नहीं रहा है। एक बार और ट्राई करता हूँ। मुझे धक्का क्यों मार रहा है? कहाँ धक्का मारा, खाली हल्के से छुआ है। कैसे छुआ? हिला दिया पूरा। ये आईटी के लोगों को ना पैसे का बहुत घमंड है। सुबह के टाइम भी देखो लाइट ऑन रखी है। अब भांजे ऐसे लगा जैसे यहाँ से अभी भी कोई भागा। क्या मामा, अंदर हम सिर्फ दोनों ही आए थे, और कौन आएगा? नहीं रे भांजे, फटे कोई क्रॉस करके गया ऐसे लगा। हाँ होगा होगा। ऐसा सिर्फ मुझे ही लगा क्या? कल की अभी तक उतरी नहीं है लगता है। चुप रे, तू क्या अभी तक हिला रहा है? बहुत टाइट है मामा, निकल नहीं रहा है। मैं कोशिश करूँ क्या? दरवाजे पर आपकी कोशिश देखी मैंने। ये देख मेरा हाथ छोटा है, तेरा मीडियम है, शायद खुल जाएगा मेरे हाथों से। तू इधर आ, मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कोशिश करिए। बहुत टाइट है यार, खोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं हुआ ना आइडिया, जिसने सिलेंडर दिया अगर उसी का चूल्हा इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। चुपचाप इधर ही कॉफी बनाकर ले जाए। ये देवा काहे केलस रे। मामा इसकी क्या जरूरत है? देख भांजे, तेरा घर बहुत छोटा है, बहुत लोग हैं उधर, ये घर बड़ा भी है और खाली भी है। इधर ही चाय कॉफी बनाकर ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जा तू जाकर दूध लेकर आ, मैं तब तक हल्का होकर आता हूँ। जा। ओ हो, बैचलर लड़के को इतना बड़ा रूम क्यों चाहिए? ऐसे लड़के बिना दारू के नहीं रहते ना, कहीं पर तो रखी होगी। चलो ढूंढ कर निकालता हूँ। अरे नहीं, कहीं बोतल ऊपर के लॉफ्ट में तो नहीं रखी है? उधर भी ढूंढ कर निकालता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। कोने में क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं यार, बिना दारू शारू के मैयत का घर नहीं लग रहा है भांजे। मामा मैयत का घर हमारा है, लाश यहाँ थोड़ी पड़ी है, दूसरों के घर में ये सब नहीं करना। ठीक है चल, दूसरों के घर से दारू नहीं लेंगे, लेकिन हमारे घर पे तेरे बाप ने पी पी के कुछ तो छोड़ी होगी, उसमें से कुछ बची होगी तो लेकर आ। बची तो थी लेकिन आपकी बेटी ने खत्म कर दी। क्या कहा? मेरी बेटी ने खत्म कर दी? क्या बोल रहा है तू, उसे कब से ये आदत लग गई? अरे खत्म कर दी मतलब ये खत्म नहीं है, उसको वहाँ फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया। तो ऊपर से निकाल कर लेकर आ, मैं थोड़ी देर यहाँ लेटता हूँ। क्या मामा यहाँ सो रहे हैं आप? सो नहीं रहा हूँ, सुबह से भाग दौड़ करके थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू जाकर दूसरों को कॉफी पिलाकर ऊपर जो रखा हुआ है ना वो क्वार्टर लेकर आ, हम दोनों मिलकर पियेंगे। तू आधा पैक पी लेना, मैं ढाई पैक पियूंगा। ओके ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। एसी है ना यहाँ पर, ऑन कर देता हूँ। हाँ रिमोट। आई एसी ऑन कर दिया, कैसा एडजस्ट करूं? बहुत जोर की लगी है, क्या करूं? ये पानी कहां से आ रहा है? एसी तो यहां पर है और पानी वहां से आ रहा है, जरूर कुछ खराबी होगी। शायद ये आईटी वाला पेग में यही पानी मिलाकर हिला हिला कर पीता है, हम भी बिल्कुल यही टेक्निक यूज करेंगे। अलमारी में फंसा नंदू बेचारा। कौन है आप? मीना। ओ मीना के कस्टमर हैं आप? बहन तो बहुत बड़ी कलाकार है,
सुबह 10 बजे ही कस्टमर आ गए। अंदर आइए। नहीं नहीं नहीं, मीना का घर में। मीना यहाँ नहीं है, मैं भी कलाकार हूँ, अंदर आओ ना। यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ऐसे क्या देख रहा है, मैं भी यहाँ पर पैंट पहन कर ही आया था, यहाँ आने के बाद पैंट उतर गई। वैसे तू ज्यादा सोच मत, मस्त जगह है, मैं 10-12 बार आ चुका हूँ, 100% गारंटी देता हूँ। सारी लड़कियां सुंदर है। क्या हुआ, मैं तुझसे इतनी देर से बातें किया जा रहा हूँ, तू कुछ बोली नहीं रहा। सर, ये तू तलाक से क्यों बात कर रहा है? ओ, हिंदी बोलते हो, कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से? इतनी दूर से सफर करके तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो? बढ़िया है, बढ़िया है। दिल्ली में मैं 5 साल था, मुझे भी हिंदी अच्छी तरह से आती है, हिंदी बोल सकता हूँ मैं। अच्छा छोड़ो, वो आ गई। वो हड़बड़ी में मेरी पैंट जरा फट गई थी यार। मुंबई से है लड़का? ये तो मीना का कस्टमर है। मीना का कस्टमर है, मस्त लड़की है वो भी। वैसे बिंदु भी किसी से कम नहीं है, मेरे पैंट पहनने का वक्त है और तेरे। समझ गया ना? बी हैप्पी। बिंदु अच्छी तरह से संभालना इसे। पैंट संभाल लेना, अगर मेरी तरह सबकी पैंट सीनी पड़ गई ना तो बगल में टेलरिंग शॉप खोलनी पड़ जाएगी। एक्चुअली मैं मीना के लिए आया था। ये क्या है, कब से मीना मीना लगा रखा है? मीना मुंबई गई है बताया तो था। तुम्हें कुछ तो पता होगा ना कि किसके साथ गई है? मुझे नहीं पता ना सर, कस्टमर कहीं भी लेकर जाएगा और कहीं भी जाके छोड़ देगा। अच्छा, मीना की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? क्या सर, मीना मीना का जाप लगा रखा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ 2000। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। सुनो ना, ज्यादा लग रहा है क्या? तो 1500 दे देना ना। दीदी, दीदी, ये अंदर मत आना, मैं ही बाहर आती हूँ। अभी आई हूँ, मीना की बहन है। आशाओं की हवाओं में झूम रहा हूँ। तुम सबने 1-2 आदमियों को उड़ाया होगा, हमारे शेखर भाई ने पूरा गैंग उड़ा दिया। शेखर भाई ने कितने मर्डर किए होंगे? नशे में जब गाड़ी चलाते हैं तो 10-15 तो उड़ा ही देते हैं। पानी डाल, पानी डाल। क्या है, कल पी हुई बियर की अब तक बदबू आ रही है। हेलो हेलो, शेखर सेठ है क्या? यहाँ कोई सेठ वेट ना थी, रॉन्ग नंबर। कौन है रे? इसी सेठ को पूछ रही थी, मैंने रॉन्ग नंबर कह दिया। चल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। भाई उसी का कॉल है। क्या तेरे, क्या? हेलो शेखर जी, मैं बिंदु। ना लाइक कहीं का। सॉरी बॉस, वो सेठ कह रही थी इसलिए मैंने काट दिया। कहीं का। अब बोलो बिंदु। शेखर जी, एक आदमी आया था मुंबई से, मुझसे ना मीना के बारे में पूछ रहा था, अभी गया है। नाम क्या उसका? उसका नाम था, हाँ, रमेश। आदमी कैसा है, मेरे जैसा है क्या? नहीं शेखर जी, बहुत स्मार्ट था। वहाँ से कब निकला? बस 5 मिनट पहले। गाड़ी का कलर? व्हाइट डस्टर, नंबर 1212। बाद में बात करता हूँ। शामर आना है तो उठारी होके आना है ना। ए सुने, ए चल गाड़ी निकाल। अबे अंधा क्या, मैं ब्रेक नहीं लगाता तो गाड़ी ठुक जाती है। चुप रहे, ब्रेक की बात छोड़, तू वैसे ही मरने वाला है। ए, कौन है तू? ये जानता नहीं? शेखर भाई कौन है जानता है तू? शेखर सुमन मालूम है, ये कौन है मालूम नहीं। ए, पकड़ इसको, चल गाड़ी में पार्सल कर। चल 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 भाई, तुम लोग इसको कितना भी मारो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या रे, तुझे मार मार कर मुझे दर्द हो रहा है, सच सच बता, तू रवि का आदमी है या मीना का? देख भाई, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, मैं मधु के लिए आया था, उसके अलावा और कुछ नहीं पता मुझे।
परेशान मत कर मुझे। रवि और मीना कहाँ हैं? अबे रवि मीना, रवि मीना, मुझे क्या मालूम कहाँ पे? भाई के सामने ऊंचा बोलते हैं। तुम दोनों की दाढ़ी सेम है, ये तेरा ही आदमी है, ये देख यही रवि है, इसके साथ ही मिलकर लूटा है ना तूने? पता नहीं, ठीक से देख कर बोल। बोला ना नहीं मालूम। यही रवि है, यही रवि है। पता नहीं बोल रहा है। राजकोट का सबसे बड़ा आदमी मेरा बॉस है, पता है? हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, सब तरीके के उनका बिजनेस है। ऐसा कोई काम ही नहीं जो उन्होंने नहीं किया हो। उनके पास ही मैं और रवि दोनों काम कर रहे थे। इनकम टैक्स का रेट होगा, ऐसा भाई को एक दिन फोन आया। लैक का पैसा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, सब कुछ लेकर शहर से बाहर जाने के लिए बोले। गाड़ी में ही पैसा और डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो सेफ रहेगा, ऐसा सोचा भाई ने। मुझे ही भेजेंगे ऐसा लगा था, नहीं, लेकिन इसको जाने दो। रवि को भेज दिया, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। पगार के साथ छुट्टी मिल गई सोचकर रवि खुश हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। एक दलाल से लड़की को उठाकर शहर छोड़कर निकल गया। इनकम टैक्स की मुसीबत खत्म होने के बाद उसको वापस आने के लिए फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया उसने। भाई को शक हुआ। जिस दलाल ने रवि को लड़की सप्लाई की थी उसको हमने पकड़ के धोया। तब जाके उस ससुरा रवि कहाँ है पूछो, इससे पूछो। उसका नाम है मीना, राजकोट की है ऐसा पता चला। मीना को ढूंढते हुए कोई भी आए तो हमें बताना, ऐसा बिंदु को डरा धमका कर आए थे, इसलिए तो हमारे चंगुल में फंस गया। मीना और तेरा क्या रिश्ता है? तू क्या ढूंढ रहा है उसे? अरे मेरी कोई और वजह है यार। क्या रे तेरी दूसरी वजह? मेरा पर्सनल मैटर है। अरे चुप रे, तेरा पर्सनल मैटर, हमारा क्या पाकिस्तान इंडिया मैटर चल रहा है? भाई 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 भाई, वो फोन मुझे उठाने दो प्लीज, मुझे मुझे बात करने दो उससे। भाई भाई भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है भाई, भाई प्लीज मुझसे बात। साली फोन फोन करता रहा तो तेरा पैर ही काट दूंगा। बात करता है। हम और किसी की मूवीज देखे या ना देखे, पर गोल्ड माइंस की मूवीज जरूर देखे। तू भी उनका फैन है क्या? हाँ हाँ भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ। तेरे फोन में गोल्ड माइंस की मूवीज है क्या? हाँ भाई, बहुत हैं। बहुत सारे क्या? हाँ बहुत। बहुत मतलब कितने? कितने? 100 GB है भाई। 100 GB? 100 GB है क्या? 100 GB, 100 GB। 100 GB बोले तो कितना? बोले तो हफ्ता भर चलेंगे, महीना भर। हाँ हाँ भाई। गोल्ड माइंस की मूवीज जब मैं देखूं तो मजा आए। गले मजा आ गया रे, देख के बड़ा मजा आए। हाँ हाँ, गोल्ड माइंस कितना अच्छा रे। गोल्ड माइंस की मूवीज रे, अरे वाह, हाथ मिला रे। भाई भाई, ए हाथ खोल रहे इसका। अगर भाग गया तो भाई क्या रे? ये गोल्ड माइंस का फैन है। गोल्ड माइंस के फैन बहुत दिल वाले होते हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगा। जा खुला। खुल। माइंस की मूवी जब मैं देखूं तो ये।
क्या रे, तो गुजरात पुलिस ने हलवो समझे छे के मर्डर करके क्या लगा, आराम थी भागी जासे। You are under arrest. आतारो लास्ट चांस छे, सच बता। सर आप कितने भी चांस दे दे पर जो हुआ ही नहीं वो कैसे कहूं, मैंने कोई एक्सीडेंट किया ही नहीं। hey! तूने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया है, एमपी की कार को ठोक दिया, उसकी बीवी स्पॉट पर ही मर गई और दो लोग आईसीयू में एडमिट हैं। उनको जिस कार ने ठोका वो तेरी डस्टर है, वही रजिस्ट्रेशन है, फिर भी बोलता नहीं ठोका। अरे सर जब से मैंने गाड़ी खरीदी है एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। ओ, तारी गाड़ी में डेंट कैसे आ गया? वो कैसे, मैं एक बार गाड़ी रिवर्स में ले रहा था, ध्यान नहीं रहा इसलिए पीछे दीवार से टकरा गई। ये अच्छा बोला, बिल्कुल सही बोला। तो तेरे को रिवर्स लेना नहीं आता? अगर तू गाड़ी रिवर्स नहीं ले सकता तो आगे कैसे चलाएगा तू, मतलब तू नहीं ठोका ना? सर नहीं सर, मैं आपको सच सच बता देता हूँ। एक्चुअली हूँ आगरती जातो तो अने पाचड़ी का। गुजराती में मत बोल, मुझे हिंदी समझ में आती है, तू हिंदी में बोल। सर मैं तो सीधा सीधा जा रहा था, एक आदमी पीछे से आके धार से ठोक दिया मुझको सर, और फिर भाग गया सर। ये बात हुई ने, अब तूने सच बोलना शुरू किया। सर एक लेटेस्ट न्यूज आई है, एक्सीडेंट में उसकी बीवी भी गई, एमपी का ससुर भी गया। हे ईश्वर, ए सुना ना? समझा नहीं। एमपी का ससुर भी गया, उसकी बीवी भी गई, ससुर भी गया, बे मर्डर, मतलब 14 साल फिक्स। सर पर मैं चुपचाप बेस, अगर तूने सब खुद से सच बता दिया तो मैं इसको एक्सीडेंट केस बना दूंगा, मतलब जानबूझ के नहीं किया, मर्डर की कोशिश नहीं की, 3 से 4 साल में बेल, नहीं तो मर्डर केस बनेगा, मैं मर्डर केस बनाऊंगा, 14 साल नॉन अवेलेबल। हर रोज एक एक मर्डर का इल्जाम लग रहा है। ध्यान से सुन, 4 साल ठीक है या 14 साल बता। सर जरा आप ही सोच कर देखिए सर, अगर ठोककर मारना ही होता तो मैं रिवर्स में क्यों जाता सर, आगे से जाकर सीधा मर्डर नहीं करता क्या? ए देख मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक मानस छे और उसका टॉर्चर बहुत डेंजरस छे। अरे मैं मारूंगा तो पैर टूटेगा, वो मारेगा तो पैंट भी फट जाएगी। क्या पैंट किसने उतारी तेरी, बिंदु ने या फिर विक्रम ने? विक्रम सर। ठीक है उठ जा उठ जा उठ जा। सर है सर। अरे भाई विक्रम, इस दुनिया में ऐसे ही होता है, 3 घंटे पहले तूने मुझे वहाँ अंडरवियर में देखा था और अब मैं तुझे देख रहा हूँ। सर आप इसे जानते हैं क्या? हाँ भाई अच्छी तरह से जानता हूँ, वहाँ मिला था। हाँ 3 घंटे पहले ये वहाँ था, इसके एक्सीडेंट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, छोड़ दो इसे। सर मेरे पास एविडेंस है। सर एविडेंस इम्पोर्टेंट है या फिर ये आई विटनेस? आई विटनेस, मैं आई विटनेस हूँ इसका। 3 घंटे पहले मैं जिस जगह पर अंडरवियर में रेस्ट कर रहा था, ये उसी जगह पर पैंट पहनकर मजे लेने के लिए आया था। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ओहो ये असली पुलिस ऑफिसर है, समझेगा नहीं। अरे बिंदु के घर में। अच्छा तो आ मैटर छे, इसीलिए जब मैंने फोन किया तो आपने फोन नहीं उठाया? ए, ऐसे टाइम पर तो मैं अपनी बीवी का भी फोन नहीं उठाता। अच्छा मुझे बताइए कि वहाँ कितनी लड़कियां हैं, मैं वहाँ रेड मारूंगा। तू वहाँ रेड करेगा तो मैं कहाँ करूंगा? अरे साहब। अरे छोड़ो ना विक्रम, क्यों पीछे पड़े हो इसके, ये गुनहगार नहीं है, असली गुनहगार को पकड़ो। हाँ जाओ। कहता है रेट डालूंगा, वहां पर बिंदु भी तो है। एक सेकंड के लिए मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। और क्या? अरे अब तो पैंट पहन ले, पहन ले भाई, तू वापस कब आएगा? नहीं मैं वापस नहीं आऊंगा सर, यहाँ से सीधा अहमदाबाद सूरत होते हुए मुंबई पहुंच जाऊंगा। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तू गुजरात कब वापस आएगा? नहीं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगा। इतना डर क्यों रहा है तू, मैं हूं ना यहाँ पर, तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूंगा ना। पुलिस स्टेशन में क्यों लेकर आया इसको, मुझे क्या पता। सुनना आज मैंने वहाँ एक मस्त लड़की को देखा है, उसी से मिलने जा रहा हूँ, चलेगा क्या? सही है सर। पैंट पहन ले, पैंट पहन ले।
मेरा फोन नंबर ले लेना, चलो चलते हैं। थैंक्स। अरे थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुम जैसे कलाकार को मेरे जैसा कलाकार ही तो समझ सकता है। चलो चलो आ जाओ। थैंक यू सर। भाई भाई यार ये तो हमें ही घूर रहा है। हाँ भाई ये वापस अंदर क्यों जा रहा है? सर 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 एक मिनट, क्या हुआ, लौट क्यों आए? अरे प्लीज सर एक मिनट प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन जरा बैल्कनी में आइए ना मेरे। किस लिए? प्लीज सर प्लीज। मेरा मैं तो भाई वो पुलिस वाले के साथ है। अरे क्या कर रहा है ये पुलिस वाले? कुछ चिपक रहा है मुझे, अच्छी जान पहचान है स्किन के साथ। उधर पुलिस ने गन दिखाई और ये यहाँ गले लग रहा है, कुछ तो लोचा है भाई। बॉस को पकड़ने के लिए प्लान तो नहीं कर रही है लोग? हे गाड़ी निकाल रहे, चल घुस अंदर। चल 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 ठीक है सर चलता हूँ। बाहर किस लिए बुलाया बताया नहीं? राम राम यार कुछ आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? वहां तक सुनाई दी क्या? वाह मामा क्या कान है आपके। वो क्या हुआ कि गार्लिक फ्राइड राइस खाया था ना तो गैस लीक हो गई। अरे वो आवाज नहीं यार, कुछ फोन के वाइब्रेटर जैसी आवाज सुनाई दी। अरे रे रे मैं तो बोलकर ही फंस गया। नहीं यार फोन तो कोई नहीं आया। हेलो ए कब से फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? अरे चिल्ला मत, मेरी हालत खराब है, कपोर्ड में लाश के साथ बैठा। वो जो सिलेंडर लेने आए थे अभी भी तेरे घर में है, उनको बाहर भेज। अच्छा ठीक है उनको रहने दे, वो सब बाद में देख लेंगे। अबे तू फोन क्यों किया? चल रहा। अरे रुक रुक रुक, खूनी का काफी हद तक पता चल गया मुझे। क्या काफी हद तक? क्राइम पेट्रोल देखता है क्या? ए, उसका नाम रवि है, मीना के फोन में उसका नंबर भी देखा और इधर एक गैंग भी उसको ढूंढ रही है यार। मुझे तो पैसों का मामला लगता है। ए, रवि के नाम से फेसबुक में ढूंढेगा तो 500,000 मिलेंगे, उसपे से तेरा बाप पहचानेगा उसको। नहीं रे रवि का फोन अभी बंद है, उसका नंबर ट्रैक किया तो पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। क्या ट्रैक करना है? कैसे? सुन तेरे फ्रेंड कार्तिक को ये नंबर दे दे और सब कुछ समझा दे। अरे इस हालत में कैसे करूं समझना? ए, तुझे करना ही पड़ेगा वरना हम दोनों ने जो कत्ल किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम दोनों ने कत्ल किया? ए ठीक है हम दोनों ने किया हुआ कत्ल नहीं बोल सकते, किसी और ने किया कत्ल बोल सकते हैं। अरे तू नंबर लिखना। ए, मैसेज भेजना। ए, मीना के घर गया था क्या? आ गया था, वहाँ पर बिंदु नाम की लड़की थी। बिंदु? बिंदु घोष या बिंदु मोहिनी? लड़की टकाटक थी, रेट क्या बोली? ए, चल फोन रख, फोन रख। हाँ हेलो बोल यार। कार्तिक हाँ यार कोई फोन नहीं, तेरे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, मैं तुझे फोन करने ही वाला था। अच्छा हुआ तूने ही कर दिया। कैसा रे दोस्त, क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? अच्छा प्लान सुनना, 2 घंटे में हम बाहर जा रहे हैं, पार्टी है, दारू है, खाना पीना साथ में, सब इंतजाम है और 2 दिन में रिटर्न आ जाएंगे। मैं तुझे फोन करता हूँ, रेडी रहना। मेरी बात सुनेगा क्या? अरे सुन तो रहा हूँ, तो बोलना यार। एक मोबाइल नंबर को ट्रैक करना है दोस्त, उसका लास्ट लोकेशन पता करना है। अरे ये सब के लिए टाइम नहीं है यार, थोड़ा वेट करना। पार्टी मूड में हूँ यार, विल बी देयर इन 2 आवर्स, पिकिंग यू अप, प्लीज बी रेडी यार, विल जॉइन यू सून। ओके मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या जान लेगा, इतनी सस्ती है क्या मेरी जान? नहीं नहीं यार बहुत अर्जेंट है, नंबर नोट करना। हाँ बोल। 9786450052। दूसरे के घर में ये जरूरी है क्या? अरे मैयत के माहौल में ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए, जहाँ जगह मिले अड्डा जमा लेना चाहिए। जल्दी ला, गला तरस गया है। ये क्या बोतल आधी है? हाँ आधी है, मेरे पिताजी ने आधी पीकर बाकी अगले दिन के लिए रख ली थी ना। चलो ठीक है, आधी दारू और तेरे पिताजी दोनों मर गए, लेकिन आधी दारू तो अभी जिंदा है। दारू मरती है, आधी खत्म मतलब मर गई। लो अब ठीक है, जाकर चखना लेकर आ, वो बोतल दे इधर, मैं रखता हूँ। जोर की लगी है, कब से दबा कर रखी है। अभी बताता हूँ तुझे। मैं इधर हूँ बाथरूम के अंदर, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। है? क्या हुआ मामा, दारू ज्यादा हो गई क्या? बाहर कड़ी लगाकर अंदर गए आप? बेवकूफो जैसी बात मत कर, बाहर से कुंडी लगाकर अंदर कैसे जा सकते हैं? तो फिर कड़ी किसने लगाई यहाँ? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ।
अरे ये क्या हो गया, बोतल तो पूरी खाली हो गई। क्या मामा, बाथरूम के अंदर ही कटका गए? ए, जब मैं अंदर था तब तू पीकर तो नहीं भागा? बोल। कसम से मैंने नहीं पी मामा। अच्छा तो फूंक के बता। क्या छी, जरूर तू नहीं पिए कलमुए। अक्कड़ कहीं कसम से बोल रहा हूँ मामा, ये मेरा ब्रांड ही नहीं है। पिताजी ये दारू पीकर ही ऊपर चले गए, इसी गुस्से में देवी ने बोतल उठाकर गटर के अंदर डाल दी। मैंने उसे वहां से उठाकर धोकर आपको लाकर दिया। वो ऊपर गया था। अरे बाबा, बाप रे, भांजे लगता है इस कमरे में बहुत कुछ हो रहा है। सुन, तेरे बाप को शायद दारू कम पड़ी होगी, इसलिए उसका भूत यहाँ आकर ये बची हुई पीकर भाग तो नहीं गया होगा। कुछ भी बकवास मत कीजिए, इसे पकड़े मैं निकल रहा हूँ। मुझे अकेले छोड़कर मत जा, बहुत डर लग रहा है। अरे मैं तेरा मामा हूँ ना। आपके साथ रहने में मुझे डर लग रहा है, छोड़िए मुझे। अरे अरे मत जा भांजे। बॉय हो तुम, बहुत खुश होकर देख रहे हो ना, हमारी फर्स्ट नाइट भी शूट करके अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे क्या? मेरे घर वाले इतनी आसानी से मान गए। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि वो मान जाएंगे। कल सुबह सुबह जाकर दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, नहीं भूलूंगा। ए ये ले, तुम दोनों के लिए। दोनों के लिए एक ही रूम क्यों? देख रूम की शॉर्टेज है तो किसी और को एक रूम दे दे, हमें क्यों? ए तुम दोनों लवर्स हो, एडजस्ट कर सकते हो, उन लोगों को थोड़ी बोल सकता हूँ मैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे स्मार्ट लड़के के साथ मधु कंट्रोल कर पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता। स्मार्ट और तू, पता है तुम्हारे दोस्त की शादी यहाँ पुणे में रखने से लेकर रूम शॉर्टेज होने तक ये सब तुम लोगों की सेटिंग है। उसको शायद सिक्स पैक्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा कंट्रोल है। वाह वाह, कुछ ज्यादा ही है। मैंने आते वक्त बोला था ना तुझे, मेरी मधु बहुत अच्छी है। मैं डॉक्टर हूँ, पता है ना, ऐसे ही फाड़कर टांके लगा दूंगी। ए दोस्त, इसका बाप टेलर तो नहीं था ना? कंट्रोल कंट्रोल। ए सुबह सुबह अच्छी न्यूज देना, क्या समझा? हाँ ठीक है ठीक है, चल। नंदू ने डबल बेड बोला था ना। कमरे में आए थे तो देखा नहीं था क्या? ये किंग साइज बेड है, बड़ा बेड। तुम यहाँ सो जाना। कहाँ सोगे? बेड पर ही। तो फिर मैं? मेरे बगल में सोगी। नो चांस। तो चलो एक काम करते हैं, नंदू को बुलाकर बीच में सुला लेते हैं। तुम वहां सो जाना, मैं यहाँ सो जाऊंगा, ठीक है ना? छी, तुम ही बताओ क्या करना है। तुम क्रिमिनल हो, मुझे पता है, ये सब तुम्हारा ही प्लान है। अगर पता ही है तो पूछ क्यों रही हो? पर ये गलत है। देखो ये 21st century है, इस सदी में एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की अगर एक ही बेड पर सो जाए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ए तुम कौन हो मुझे पता है, और मैं कौन हूँ तुम अच्छे से जानते हो। ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो, मैं नीचे सो जाती हूँ और तुम ऊपर ही सो जाओ। चलो ये भी ठीक है, ये लो नीचे जाके सो जाओ। बहुत खुश होकर देख रहे हो ना? इस पर भरोसा करके आई तो मुझे नीचे सुला दिया। इससे अच्छा तो मेरे बगल में आके सो जाती है। छी, बैड बॉय हो तुम।
चीप कैसे हो सकते हो? मधु सॉरी मधु, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये सबके पास कैसे आ गया। मेरा वीडियो शूट करके सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? Damn it! Adult thumb sucking is a disorder and I'm taking treatment for it. नहीं मधु, इसकी कोई गलती नहीं। चुप रहो। मेरी वजह से हुआ। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे बेडरूम में आकर तुमने शूट किया और तुमने इसे अंदर आने दिया? माना वीडियो मैंने शूट किया था मधु, लेकिन किसी गलत इंटेंशन से नहीं किया था, जस्ट फॉर फन मधु। ओह, तो ये तुम्हें फन लगता है? हमारी फर्स्ट नाइट भी शूट करके अपने फ्रेंड्स को दिखाओगे क्या? मधु पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ रमेश, मैं पागल ही हूँ और आगे से थोड़ी समझदार होने की कोशिश करूंगी। रमेश, उस नंबर को ट्रैक कर लिया है। बहुत अच्छे, जल्दी से बता उसका लोकेशन क्या है। राजकोट रेलवे स्टेशन के पास ऑन और ऑफ हुआ है। ग्रेट यार ग्रेट, मैं अभी वहीं पर हूँ। एक बार ये रवि हाथ में लग गया ना तो सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दोस्त मैं भी बचाऊंगा ना। क्यों? मेरे फोन से मधु का अंगूठा चूसने वाला वीडियो सबको शेयर किया था ना, अब तू भी फंस। बहुत पहले की बात है, पागल जैसी बात मत कर। अबे उसके लिए आज तक भुगत रहा हूँ। कौन सी बात लेके बैठ गया? एक मिनट रुकना, उसके ब्लाउज में, मीना की ब्लाउज में। ए, किस तरह का आदमी है तू, लाश के ब्लाउज में भी झांकेगा क्या? अरे फालतू बात मत कर, एक मिनट रुक। उसके ब्लाउज में एक पर्स है, एक दो तीन चार पर्स, थोड़े पैसे हैं, एक पेपर भी है, उसमें कुछ नंबर भी लिखे हैं। अच्छा नंबर बोल। 157 158 159 160, इन नंबर्स का इन मर्डर्स के साथ कुछ कनेक्शन लगता है। जल्दी से नंबर्स मुझे मैसेज कर। ए दोस्त प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, कैसे भी मुझे यहाँ से बाहर निकल। कितना रोएगा? हे, लाश के साथ बैठा हूँ, मजाक समझा क्या? मुझ पे क्या गुजर रही है समझना, सुन रहे कि नहीं? ठीक है चल फोन रख, मैं उन्हें बाहर भेजने का कोई रास्ता निकालता हूँ। थैंक्स बच्चे। अब मेरे पीछे से आवाज कैसे आ रही है? रमेश का फोन है। हेलो रमेश। हाँ राम अंकल, आप सिलेंडर लेकर गए नहीं? नहीं रमेश, हम आपके घर में ही हैं। उसको बोल पी रहे हैं, आ रहे हैं क्या? चुप रहिए ना। पर सिलेंडर लेकर गए क्यों नहीं? नहीं रमेश, रेगुलेटर बहुत टाइट था ना, इसलिए यही चाय कॉफी हम बना रहे हैं, मैं आपको बोलना भूल गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड नंदू वहाँ पर आएगा, वो आज वहीं पर रुकने वाला है, तो प्लीज उसे चाबी दे दीजिएगा। ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके रमेश, हम लोग अभी निकल रहे हैं। चलिए जल्दी निकलिए यहाँ से, कोई आ रहा है यहाँ। आदमी है कि औरत है, क्या फर्क पड़ता है, चलिए यहाँ से। हाँ बोल। सुन, मैंने उनको फोन करके बोल दिया है, अब तू बाहर से अंदर आने की एक्टिंग करना। थैंक्स मेरी जान। क्या आदमी है। सुन सुन सुन, एक मिनट, मीना के पर्स में जो कैश मिला वो रख लो क्या? आ गया ना औकात में, चल फोन फोन रख। सॉरी। मैं तेरे बाप के मरने के दुख में पी रहा हूँ रे, तू फटाफट पीने को बोल रहे है तो कैसे पीऊं? उनके कोई फ्रेंड आ रहे हैं, निकलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तू बाहर से अंदर कैसे आ रहा है? नहीं तो बाहर से अंदर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने अंदर से ऊपर की कड़ी लगाई थी, मगर दरवाजा तो खुला था। हाँ खुला था क्या भांजे? तभी तेरे बाप ने बाथरूम की कुंडी लगाई थी, अभी ये खोल दी होगी। हेलो, मैं रमेश का फ्रेंड नंदू, आप लोग कौन है? उसने तो कहा था घर में कोई नहीं। सर सर, मैं राम हूँ, नीचे के फ्लैट में रहता हूँ। मेरे पिताजी गुजर गए ना, और हमारे घर की गैस खत्म हो गई, तो हम कॉफी यहीं पर बना रहे हैं। मरे हुए को कॉफी पिलाओगे? जो जिंदा है उनके लिए कॉफी। कॉफी बन गई ना, अब जाइए। जा रहे, चलिए। क्या यार भांजी, ये तो अपने हिसाब से कुछ डर के बाद क्यों कर रहे हैं? अंदर एसी ऑन किया था क्या? ऐसे ही नहीं, वैसे ही ऑन किया था, है ना, कॉफी बहुत गर्म थी ना, उसको ठंडा करने के लिए किया था। कॉफी ठंडा करने के लिए एसी चाहिए? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। अब ये स्मेल कैसी है? सर सर सर, वो बॉडी की स्मेल है, पिताजी मर गए ना। ये बॉडी की स्मेल नहीं है। इसको कैसे पता? ये खुद बॉडी के बगल में लेट किया है, ऐसे बोल रहे हैं। ये दारू की स्मेल है। इधर आ, मैंने पिया ऐसे सोच रहा है क्या? मैं पी हुई दारू की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने नहीं पिया। क्या? सर सर, ये जो मेरे पिताजी ने दारू पीते ना, उसकी कसम खा रहे हैं। चलो निकलो, किसी ने मदद के लिए घर दिया तो उसका गलत फायदा उठाते हो। जो भी हो, घटिया सोच वाले घटिया ही सोचेंगे। मेरे ऊपर भी दो फ्लैट है। ऊंची आवाज में बात। सॉरी सर सॉरी सर, ये बात रमेश को पता ना चले, थोड़ा सा देख लेंगे। चलो सुन, तेरे फ्रेंड को बोल के रहा, कितना बड़ा फ्लैट लेकर कोई फायदा नहीं है, कम से कम एक क्वार्टर तो रखनी चाहिए। तेरे को पता है हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ? बैटरी को बोलते बहुत ज्यादा बोल रहा है। हां मैं ज्यादा बोलता हूं, ज्यादा पीता भी हूं। तू बाहर निकल। हां चल निकल। आजा हिम्मत दे। एक मिनट, अंदर चाखना छूट गया है, लेकर जाता क्या करे। अच्छा
वो इधर ही है ना, रवि का फोन यही ऑन हुआ, बराबर से ट्रैक किया ना। बिल्कुल भाई। हाँ मैं स्टेशन के पीछे ही हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ए, शेखर भाई यहाँ चल। ए, ये पुलिस स्टेशन से यहाँ भी पहुंच गया। हाँ भाई। इसे छोड़ना नहीं, बहुत खतरनाक है ये। देख देख, देखा हमें इसने। ए, पकड़, पकड़, पकड़। ए, रुक, रुक, आप तक हैं, रुक, रुक। इन नंबर्स का इस मर्डर के साथ कुछ कनेक्शन लगता है। कब से तुझे ही ढूंढ रहा था। तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? शेखर का आदमी है क्या? मीना को तूने क्यों मारा? पर छुपकर बैठा हुआ है और तेरी की भी हरकतों की वजह से मुझे भागना पड़ रहा है। इन पैसों के लिए क्या ना जला डालूंगा। ऐसा मत कर यार। अरे वो डॉक्यूमेंट है साहब का। मुझे तकलीफ में डालने वाले को डॉक्यूमेंट है।
तकलीफ होनी ही चाहिए। ए, वो डॉक्यूमेंट है यार, वो चला मत। तो सच बोल। सब सच सच बता देता हूँ, उसे कैसे मारा वो भी बताता हूँ। फोन कर। अरे चल बोल। उस दिन साहब के घर में रेड पड़ने वाली थी, पैसे और डॉक्यूमेंट्स मुझे देकर शहर छोड़कर जाने को कहा। साहब के पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेकर दलाल जिग्नेश से एक लड़की को लेकर राजकोट से निकलकर पाठन के एक लॉज में हम दोनों रुके थे, लेकिन तभी हमारे रूम में दरवाजा खोलो, जाकर देख बाहर कौन आया। जल्दी खोलो। पल्लू छोड़, खोलो ये, जल्दी जाना, जल्दी खोलो। आ रही हूँ। आ रही हूँ। तू है क्या? मुझसे बात कर। ए, तेरा नाम क्या है, क्या चाहिए तुझे? ये कौन है? हा? मेरी बीवी है। और कब तक ये कहोगे हैं? पहले भी मैंने दो बार बड़ौदा में तेरी बीवी को अरेस्ट किया है। हाँ ठीक है ना, पैसे देकर लाया हूँ उसे, तुझे क्या करना है? उसे जबान लगा रहा है। हाथ मत उठाना, समझा रहा हूँ तुझे। क्या करेगा, क्या करेगा? रूम चेक करो। पुलिस को मामू समझता है क्या? ए इंस्पेक्टर, जितने पैसे चाहिए मांग ले, तेरे आदमियों को लेकर तमाशा खड़ा मत कर, आखिरी बार बोल रहा हूँ। तुझ में अकल है कि नहीं? भला है तू किससे बात कर रहा है? क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? चल हट। कौन है तू? क्या कर लेगा तू? देख, पहले तो तेरी नौकरी जाएगी, उसके बाद तेरी जान चली जाएगी। किसकी जान जाएगी? अभी अभी बताता हूँ। तुझे पकड़ने आए तो अकड़ता है, ऊपर से हम लोगों को धमकी देता है। तू मुझे नौकरी से निकालेगा क्या? सर, ये देखिए, यहाँ कितने सारे पैसे हैं। क्या है ये? ये पैसे कहाँ से लूटा? हे, कौन है तू? नक्सलवादी है या माओवादी, बता। देख इंस्पेक्टर, इसमें से जितना पैसा चाहिए उठा ले, लेकिन इस बात को यहीं खत्म कर। ये खुद बोल रहा है, चल उठा। उठाकर गाड़ी में डाल। रुक, गलती कर रहा है तू इंस्पेक्टर। गलती तूने की है और कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तुझे तो हे अनिल, देख इसे, बैग को गाड़ी में रखवाता हूँ। ए जल्दी से बैग उठा। ये मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, तेरा पैसा, तेरा पैसा। अभी छोड़ दे। मर सा, मर सा, छोड़ूंगा। अरे क्या है? मुसीबत हो गई है सर। क्या मुसीबत है? अमीरामी लॉज में रेड मार के आपके लोग सब कुछ उठा के ले गए हैं सर। क्या बोला? रेड? समझ में नहीं आ रहा है क्या? रेड मारी है सर। ए क्या है, क्या भाई, क्यों चिल्लाते हैं? सर, अमीरामी लॉज में आपके लोगों ने रेड मारी है। मैंने कोई रेड नहीं मारी। मीना, पैसे यहाँ सेफ रहेंगे क्या? यहाँ पर पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे। रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम में ऐसा कुछ हो सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों के बाद हम पैसे हम आपस में बांट लेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? रवि पैसे लेकर भाग गया है, उसी के लोग उसे कैसे भी ढूंढ कर मार देंगे, उसके बाद हमारी मुसीबत खत्म। खत्म नहीं होगी। जिग्नेश को पता है कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं मुंबई जाती हूँ और तुम लोग भी कहीं चले जाओ। मैं फोन करूंगी, तब हम मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लॉकर्स की चाबी तेरे पास ही रहने दे। ओके। इस बात का फायदा उठाकर
शेखर मुझे मारने की कोशिश करेगा, ये मैं समझ गया था। मैंने सोचा अपने आदमियों को लेकर किसी भी तरह से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करूंगा। पता लगाया कि वो पालाकाड़ की रहने वाली है, फिर जिग्नेश से पता चला कि वो फिलहाल मुंबई में है। उसे वहीं एक होटल में बुला लिया। उसे फोन कर, उसे वहां आना ही होगा, वरना मैं इसकी गर्दन काटूंगा। बोल, कहां है वो? बता। मत बोल। बोल कहां है? बता। प्लीज हमें जाने दे। मार दूंगा इसे। छोड़ दीजिए, झूठ नहीं बोलूंगा। प्लीज रवि, मेरी बहन को कुछ मत करना प्लीज। अच्छा, तकलीफ हो रही है? देख, मेरी जान को खतरा है। मेरे आदमियों ने मुझे एक दिन की मोहलत दी है, तुझे तीन दिनों से ढूंढ रहा हूं। अगर शेखर ने मुझे ढूंढ लिया तो मेरी मौत पक्की। पैसा कहाँ है? वो तो मुझे पता नहीं। बस अब बहुत नाटक हो गया, तुझे सिर्फ एक मिनट का वक्त दे रहा हूं, बता वरना तुझे मारकर तेरी बहन को कलकत्ता या मुंबई के किसी कोठे में बेचकर चला जाऊंगा। मेरे आदमी मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, लगाऊं क्या? फोन लगाऊं क्या? नहीं, मैं बताती हूँ, सारा पैसा पालखाड़ रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम में रखा है, एक लॉकर के अंदर। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? सारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे सब कुछ उधर लॉकर के अंदर ही है। चाबी और रसीद कहाँ है? तेरी वजह से अपने ही लोगों से बचता फिर रहा हूं मैं। ये देख रही है, शेखर का कॉल है। मैं किसी भी एरिया में जाऊं, मेरे फोन को ट्रैक करके मेरा पीछा कर रहे हैं वो। प्लीज प्लीज रवि, मुझे माफ कर दो। ए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरे लिए वही जरूरी है। उससे पहले साहब ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे जल्दी से पैसा लेकर भागना है। अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो मैं ए, चल जा, साफ कर ले। मुझे मौत का खौफ दिखाया था ना तूने, अब मैं तुझे मौत दिखाऊंगा। देख क्या रही है, चल पी। मैं जानता था कि वो तीन घंटे में मर जाएगी, पर ये नहीं जानता था कि तेरे घर में मरेगी। तूने अपना बदला लेने के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब कर दी। कौन है तेरा साहब? क्यों भागूं मैं उससे? ए, कम से कम भागेगा तो बच जाएगा। उस शेखर ने मुझे देख लिया तो वही मार देगा। ए, मुझे बस वो पैसा दे दे यार, मैं कहीं भी जाकर जी लूंगा। एक मिनट सुन, तुझे तेरे पैसे चाहिए ना? तेरा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ मुंबई चलना पड़ेगा। मुंबई आकर मेरे घर से वो लाश लेकर जा, फिर उस लाश को गाड़ना है या पुलिस को देना है वो तेरी मर्जी, जो करना है कर, पर पैसा तो तुझे मैं उसके बाद ही दूंगा, समझ गया ना? ए, कौन हो तुम लोग? क्लॉक रूम ढूंढ रहे थे। ये क्लॉक रूम है क्या? इधर नहीं है, चल निकल बाहर। ठीक है, क्लॉक रूम उधर है। ए, अरे चलो बैठ अंदर। नहीं चल,
अबे घूर क्या रहा है?
हेलो बच्ची, बॉडी से बहुत स्मेल आ रही है। अबे बोला था ना स्प्रे मारते रहे। परफ्यूम, डियो स्प्रे, बॉडी स्प्रे, रूम स्प्रे सब मार चुका हूँ। अगरबत्ती का पैकेट भी खत्म हो गया। तो बॉडी उठा के फ्रिज में डाल देना। फ्रिज में रखूं? और फ्रिज का सामान? अरे उसे उठाकर बाहर फेंक दे यार। बच्ची तुझे बिना बताए फ्रीजर में दो बियर की बोतल रखी थी, बाहर रखा तो गर्म हो जाएगी। रमेश तू जल्दी आ जा, मैं एक बार जेल में रह सकता हूँ लेकिन उस लाश के साथ नहीं रह सकता। अभी लाश कहाँ पर है? माइल्ड स्टोरेज में मोड़ कर बिठा दिया है। और एक गुड न्यूज है, उधर ही एडजस्ट करके बियर की बोतल भी रख दी है, अब गर्म नहीं होगा। ऐसे वक्त पर क्या बकवास कर रहा है? एक काम कर, कुछ भी करके एक छोटा सा टेम्पो मंगा ले, मैं वहां पर जल्दी पहुंचता हूँ। अरे ये क्या रमेश, तू इतना काला क्यों दिख रहा है? हेलो, मैं रमेश का दोस्त हूँ, आप कौन है? दोस्त है? सॉरी सॉरी, मैंने जल्दबाजी में देखा ही नहीं। लेकिन रमेश के घर तू क्या कर रहा है? मेरे दोस्त का घर है, मैं जो चाहे वो करूँ, आपको क्या? तू अपने दोस्त के घर कुछ भी कर, मुझ पर क्यों भड़क रहा है? मुझे लगा रमेश वापस आ गया है, इसलिए मेरे पति ने बोला जाकर देखाओ, इसलिए आई हूँ। पर यहाँ तक तू बोलिए ना, आपको चाहिए क्या? मरे हुए ससुर जी की प्रॉपर्टी नाम पर करानी है, करा सकता है क्या तू? नहीं ना, वैसे भी तेरी शक्ल चोरों जैसी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खैर ये सब छोड़, मैं ये दूध जाकर फ्रिज में रखाती हूँ। फ्रिज में? नहीं नहीं, दूध फ्रिज में नहीं रखते। दूध अगर फ्रिज में नहीं रखते तो क्या अलमारी में रखते? आपको प्रॉब्लम क्या है? दूध रखना है, कॉफी बनाना है, सबके लिए रमेश क्या करे? ऐसे मौके में पड़ोसी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक तो मेरी रुकिए रुकिए, दूध की जरूरत कल है ना, तो आज क्यों मंगाया? अरे घर में मेहमान है, जरूरत। फ्रिज में ऑलरेडी 10 लीटर दूध है, पूरा सामान से भरा है, रख नहीं सकते। अरे सिर्फ 4 ही पैकेट है, जगह नहीं है। मैंने भी एडजस्ट करके ही रखा है। फ्रीजर में रख दूँ क्या? आपके ससुर की लाश फ्रीजर में है ना, तो वहीं पर जाकर रख दीजिए ना। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहा है शिवा शिवा। या माता रेले कैसा समझो, नहीं रखने दोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, एक बात अच्छे से समझ लो तुम, वक्त आने पर किसी की मदद करो ना तो पुण्य मिलता है। पुण्य तुम्हें नहीं पता क्या? पुण्य ना? हाँ बहुत ले लिया, अब नीचे ना? देखो कौन है। तो ये बात है? मैं नहीं पीता, रमेश क्या होगा? शकल देखकर अच्छे से पहचान लेती हूँ मैं, तेरे जैसे लोग तो सुबह से रात तक पीते ही रहते होंगे। आप मुझे परेशान क्यों कर रही है, दूध रखे जाइए ना। बोतल के बगल में दूध रखूं? इन्हें पीने के बाद तो तू होश में ही नहीं रहेगा, मैं दूध लेने कैसे आऊंगी? दूध का एक पैकेट पी के होश में आ जाऊंगा, चल निकल अब। ए माता री जाना, धोखा खाओ ना कुछ। रमेश को आने दो, मैं सब बताऊंगी। क्या बताएगी? जाना। जाने के बाद उसके घर में क्या क्या होता है? क्या बोलने का। लगता है आ गया, कोई और तो नहीं है, देखते हैं। कौन है? अच्छा
अरे वाह आ गया तू। सब तेरी वजह से हुआ है। पहले ही बोला था लड़की को मत बुला, अब तेरे कैसी वाट लग गई है। ए, सब तेरी वजह से हुआ है। लड़की बुलाने के लिए तूने ही बोला था ना। जिंदगी झंड कर। बेबी डॉल के साथ सोने के बजाय पूरी रात लाश के साथ सोया हूँ। ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रहे, मैं जा रहा हूँ। अबे नौटंकी, रुक, 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 रुक। सोचने दे मुझे, फिकर करना पड़ेगा। किसका फिकर? वो लाश किधर है? वो लाश फ्रिज में, तू ही बोला था ना। ठीक है। पहले इस फ्रिज को नीचे लेकर चलते हैं। नीचे टेम्पो वाला वेट कर रहा है। लड़की की लाश? अरे तू फ्रिज को उठाने में मदद करना। वही तो बोल रहा हूँ, लाश का क्या करें? लाश फ्रिज के अंदर ही रहेगी ना, साथ में लेकर उतरेंगे। चल। ठीक है। क्या दोस्त भी फ्रिज भी सब साथ में जा रहे हो? फ्रिज रिपेयर कराने। मैंने पानी पिया था ना, तब तो ठीक था। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था ना, इसे लेकर। मैंने बराबर से बंद किया था, शायद कुछ करंट का प्रॉब्लम होगा। कल लिफ्ट खराब थी, आज ये खराब हुआ है। अरे अच्छे मैकेनिक को दिखाना चाहिए ना। हाँ तो मैकेनिक के घर पर ही जा रहे। अब जा रहे, धक्का क्यों मार रहे? मैंने 4 पैकेट दूध के रखे थे। एक पैकेट की चाय बनाई, बाकी खराब हो गए। क्या कहा खराब हो गए? इसीलिए इसमें से बदबू आ रही है। दूध की नहीं, बियर की है। क्या कहा? सुनो दीदी, दीदी मैं दे दूंगा। 100 रुपए का था। हाँ, पक्का दे दूंगा। पता है तू दे देगा, लेकिन ये आंटी इसकी वजन उठाने में मदद करो ना, नहीं तो जाओ। दूध खराब हो गया। हाँ दीदी आप जाइए। अंदर चला जा। इतना ही ना, निकले क्या? हाँ हाँ अब जाएंगे। तो इसमें जा, मैं आगे चलता हूँ। कहाँ जाना है सर? इस गाड़ी के पीछे लो। गाड़ी अच्छा चलाता है। थैंक्स। पहले क्या करता था? मुर्दा गाड़ी चलाता था। हा? अभी नहीं, इसके पहले। इससे पहले ही सर, अभी ये छोटा हाथी चलाता हूँ। उस गाड़ी में फ्रीजर था, इसमें फ्रिज है। दोनों में बॉडी है। क्या? नहीं नहीं, आई मीन दोनों गाड़ी की बॉडी अलग अलग है, लेकिन इंजन एक ही है। पैसे कितने बोला था? 750 सर। 350 बोला था ना सर? 750 ही बोला था। वही तो, 750 और 350 उसी को 350 बोलते हैं। सर परेशान क्यों कर रहे हैं आप? 750 में हमारी डील पक्की हुई थी। 350 ही दे सकता हूँ, उसे ज्यादा नहीं मिलेगा। सर अगर ऐसा है तो सामान उतार लो। हाँ फिर रुका दे, OLX पे बेचूंगा तो भी 350 नहीं मिलने वाला है। 350 ही दूंगा। तो फिर आप उतर जाइए सर। चल गाड़ी रुका। रुका ना, 350 बात किया था ना, अब 750 बोल रहे हैं। अरे मुझे तो 150 बोला था। तो इसका भी बाप निकला। मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। अपना फ्रिज उतारो और जाओ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। हम लोग उतार लेंगे। दिन खराब कर दिया मेरा। चल जल्दी बॉडी निकालते। डिक्की खोल, डिक्की खोल। पहले उसको खिसका। ये कौन है? बताता हूँ। ये कौन है? वही रवि है जिसने इसको मारा। अरे यार, इसने मीना को मारा, तूने इसको मार दिया। ये भी अपने आप ही मर गया। वो कैसे? सब अपने आप मर जाते हैं और लाशें तेरे पास आ जाती हैं। हमें चलना। तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? इन दोनों लाशों को धूप में सुखाएंगे। अब कोई जंगली जानवर इन्हें खाएगा और तू बच जाएगा, है ना?
थोड़ी देर चुप रहना। हाँ तो बता ना, तू करना क्या चाहता है? पागल की तरह तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, अब बता ना इन लाशों का क्या करें? ये किसका फोन है पता है तुझे? कौन सा फोन? ये रवि का दूसरा फोन है। कौन रवि? अरे ये जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके फोन तूने क्यों चुराया? इसके फोन से इसी के लोगों को मैसेज भेजेंगे कि पैसा मेरे पास है, जल्दी यहाँ पर आकर ले लो। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? वो थोड़े पैसे थे वो तो मीना के थे। पैसे इसमें भरे हैं। तो क्या करें, निकले? चल चल निकलते हैं। अच्छा चल, चाहिए तो थोड़ा पैसे ले। चलना टेम्पू के आगे बोला था, कहां होगा रवि? चला गाड़ी निकाल। क्या रे, खाड़ी के पास आने के लिए बोला था, कोई भी दिख नहीं रहा है। नहीं ये लोग बता दो। भाई वो लोग उधर है वहां। अरे दूर से इसे मार देना चाहता हूं, पत्थर उठाकर सिर फोड़ दे इसका। ए सोनू तू उतर के देख जरा। क्या रे बुखार देख रहा है क्या? जिंदा है कि नहीं ये देखकर बता फटाफट। भाई इनमें जान नहीं लगती है भाई। भाई ये रवि का फोन लगता है भाई। अच्छा इसी फोन से मैसेज भेजा है। ए, वो पैसे और डॉक्यूमेंट बराबर है कि नहीं चेक कर। खोलो ना जल्दी। ए बंटी सुन रहे, अपन उसको मारने वाले थे ना, किसने टपकाया होगा? लगता है मारकर यहां बिठा दिया भाई। पैसे बराबर है भाई, डॉक्यूमेंट बराबर है ना? हाँ सब बराबर है। हे भगवान बच गए हम लोग। चल रहे फोन करते। मेरा फोन किधर गया रे? ये फोन कहाँ हुआ? दोनों को पकड़ लिया भाई, मेरे सामने ही है। पैसा और डॉक्यूमेंट सब परफेक्ट है भाई, कुछ भी नहीं हुआ है। तो सोचना का खत्म कर दो। खत्म करूँ क्या? वो सब जरूरी नहीं है भाई, उन्हें कोई भी ऐसा खत्म नहीं करेगा तो हम तुमको खत्म कर देंगे। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं भाई, उन्हें पहले ही किसी ने मार दिया है, उनकी लाश मेरे सामने मर गए है का? पड़ी हुई है। वहां से निकल जा। इन लाशों को छोड़कर आ जाए क्या? अरे बुढ़बक तू लाश को छोड़ के आया तो हम फंस जाएंगे। रवि और वो छमिया दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा दो। ठीक है ठीक है, वैसे ही करते हैं। चलो उठाओ रे बॉडी को। इसलिए तेरे को मर्सिडीज खरीद के नहीं देता। निकालो रे। चला दो इन लाशों को। रमेश बॉडी जला रहे। अबे वो तो मुझे भी दिख रहा, तू चुप बैठ। यस।
की सीधी टक्कर की वजह से उस जगह पर 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में राजकोट की पुलिस छानबीन कर रही है। ये मीना का फोन है, मरकर फोन कर रही है। हेलो, इस नंबर पर फोन करूंगा तो लड़की मिलेगी, ऐसा हमारे दोस्त नंदू ने बताया था। शाम को इंतजाम हो सकता है का?